लोग हर रोज सेविंग क्यों करते हैं? अगर आप भी हर रोज सेविंग करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दाढ़ी उगाने के लिए हर रोज सेविंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्लीन फेस यानी फेस को गोरा करने के लिए सेविंग करते हैं। तो आप किस टाइप में आते हो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखो, अगर आप दाढ़ी को उगाने के लिए सेविंग कर रहे हो तो आपको ये एक मकसद होना चाहिए कि आपके फेस पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर आपको दाढ़ी ही उगाना है तो आप रोज़ सेविंग कर सकते हो। बट अगर आप 18+ हो यानी आपकी एज अगर 18 साल से ऊपर है तभी आप सेविंग करें, उससे नीचे आप सेविंग हर रोज़ ना करें। तो दाढ़ी के बाल तो बिल्कुल ग्रोथ हो जाते हैं, हर रोज़ सेविंग करने से दाढ़ी भी आ जाती है, लेकिन जो दाढ़ी आती है उसके बाल बहुत ही हार्ड होते हैं यानी बहुत ही कठोर होते हैं और वो टेढ़े आड़े हो जाते हैं आगे चल के। इससे आपको नुकसान होते हैं, आपके जो दाढ़ी के बालों की ग्रोथ है वो भी बहुत कमज़ोर होती है। और आप दाढ़ी तो उगा लोगे, ये बात बिल्कुल सही है, हर रोज़ सेविंग करने से दाढ़ी आती है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। तो दाढ़ी के कितने फ़ायदे होते हैं? देखो, दाढ़ी के जो आप हर रोज़ सेविंग करते हो उससे आपकी बियर्ड आती है और आपका फेस क्लीन रहता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं जो कि आपको बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप हर रोज़ सेविंग करते हो तो आपकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ही रेड हो जाती है और उसमें से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। आप अगर हर रोज़ सेविंग करते हो तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पिंपल्स हो सकते हैं, डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं और इसका ऑयल भी चला जाता है और आपकी स्किन डार्क हो जाती है और इसमें जो है वो ऑयल भी ख़त्म हो जाता है। आपकी स्किन रूखी सूखी हो जाती है जिसमें डार्कनेस आ जाती है और ये एकदम आपको ऐसी लगती है जब आप फेस को वॉश करते हो और इसके बाद आप 2-4 मिनट कुछ भी नहीं लगाते हो आपके फेस पर, तो आपका फेस ऐसा लगता है जैसे कि आपका फेस फट रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती है। और आपके अगर ओपन पोर्स छोटे छोटे हैं और आप हर रोज़ सेविंग करते हो तो आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जिससे आपकी फेस की खूबसूरती भी चली जाएगी। तो इसके ऐसे बहुत से नुकसान होते हैं। मेन जो होता है वो आपके फेस को ऑयल निकाल देता है। आप जब हर रोज़ सेविंग करते हो, हर रोज़ आपके फेस पर ब्लेड चलाते हो, तो इससे आपका फेस का जो ऑयल रहता है जो कि आपकी स्किन को कंट्रोल करके रखता है और स्किन को फेयरनेस करता है, तो वो ऑयल पूरा आप निकाल कर फेंक देते हो, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब आप सेविंग करते हो, सेविंग जब आप करते हो तो आपकी जो फेस की जो भी कुछ भी रहता है, जैसे कि पिंपल्स रहते हैं या उसमें जो ऑयल रहता है, या आप उसका जो निखार निकालते हैं, तो आप जब 4-5 दिन का गैप देते हैं तो फिर वो दोबारा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप हर रोज़ ही सेविंग कर रहे हो तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आता, ये और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अगर आपका गोल यही है कि हमको दाढ़ी उगाना है तो आप कर सकते हैं, आप जितने नुकसान होते हैं वो उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल दाढ़ी उगाना नहीं है तो आप ये ट्रीटमेंट या फिर ये सेविंग वाला जो भी नुस्खा आप यूज़ करते हो वो बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी पूरी स्किन ख़राब हो जाएगी जो कि कंट्रोल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको लेके अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स, कोई भी टॉपिक हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे चैटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।